नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा अब भी जारी है। शुक्रवार रात 5 बड़ी अलग अलग घटनाएं हुई। इंफाल पश्चिम के इर्गिम बाम थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। यहां हथियार लूटने की कोशिश की गई, हालांकि सुरक्षा बलों ने भीड़ को भगा दिया। दूसरी घटना में भीड़ ने भाजपा के एक विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की। इसे मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने नाकाम कर दिया। तीसरी घटना सिंजेमाई की है। यहाँ भीड़ ने बीजेपी ऑफिस को घेर लिया, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें तितर पितर कर दिया। चौथी घटना में राजधानी इंफाल के पोरमपेट के पास शुक्रवार देर रात बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने युवकों को खदेड़ दिया। पांचवी घटना राजधानी इंफाल के प्रसिद्ध पैलेस कंपाउंड की है। यहां करीब 1000 लोगों की भीड़ कंपाउंड को जलाने के लिए आई, लेकिन आरएएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबड़ की गोलियां चलाई, जिसके बाद भीड़ वहां से हटी। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात विष्णुपुर जिले के क्वाकटा और चूरा चंद्रपुर जिले के कंगवई ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चली है। सेना असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने राजधानी इंफाल में आधी रात तक संयुक्त मार्च किया। हिंसा के बीच पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल देने की अपील की है। दरअसल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने गुरुवार सुबह ट्वीट करके राज्य के हालात सीरिया लेबनान जैसे बताए थे। इसी को लेकर वीपी मलिक ने ऐसा बयान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा, मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूँ जो सेवानिवृत्त जीवन जी रहा हूँ। राज अब स्टेटलेस है। जिंदगी और संपत्ति को कोई भी कभी भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में होता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को अपनी ही आग में उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इस पर चिंता जाहिर करते हुए वीपी मलिक ने कहा कि एक सैन्य अधिकारी का ऐसा कहना बहुत दुख की बात है। राज्य के हालात पर सरकार के टॉप लेवल को तुरंत ध्यान देना चाहिए।